वेलकम टू सीजन प्लेस। आज हम खेल रहे हैं माइंडपुर में, एंड मैंने माइंडपुर में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। मैं एक ऑक्शन करने वाली हूँ, उसमें मैं बहुत सारे सामान जो है ना उसको बेचने वाली हूँ। एक तरह से बेचना ही हुआ ना ऑक्शन में। एंड इधर मैंने कुछ सीडीज को डिस्क को लगा दिया है, ये वैसे मैंने शो के लिए लगाया है। अभी मैं इधर जूट बॉक्स पे लगा दूंगी, अगर किसी को सुनना है तो वो सुन सकता है, और उसके बाद अगर किसी को खरीदने का मन हुआ तो वो मुझसे बात कर सकता है। अभी मुझे और भी सामान लाके इधर लगाना है। देन मैं आज कुछ बुक्स का भी ऑक्शन करने वाली हूँ, जिसमें होगा फॉर्चून 3 एंड सिल्क टच 3। तो माइंडपुर निवासियों के पास एक मौका है बिना एन्चेंटमेंट्स और विलेजर के फॉर्चून एंड सिल्क टच को पाने का, और वो भी बिना ग्राइंड के। इन सभी चीजों को ग्राइंड करने में मुझे बहुत टाइम लगा है, तो इसीलिए अगर मुझे प्राइस सही लगा कि वो जो मुझे प्राइस ऑफर कर रहे हैं उस पर मैं उन्हें बेच सकती हूँ तो मैं उन्हें ऑक्शन में ऐड करूंगी, वरना मैं लास्ट मोमेंट में उन्हें हटा भी सकती हूँ। मोस्टली काम तो मेरा हो ही चुका है, ये पूरा बिल्ड बन चुका है। देन जो हमारा शॉप है साइड में, इसमें मैंने फिलहाल के लिए थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं किया है, यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता बना दिया है और थोड़ा सा इसको सजा भी दिया है, जो मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है। अभी इसमें मैं कुछ चेंजेस करूँगी, बट फिलहाल अभी वो इधर सबको मैंने इधर बुलाया है, वो कुछ देर में आएंगे। मतलब कुछ देर में क्या, मेरे पास अभी 1 घंटा है, उससे पहले मुझसे कुछ काम भी करना है। तो जब वो आएंगे तो मैंने सोचा एकदम ब्लैंक नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए मैंने अभी फिलहाल के लिए लगा दिया है। अब हमारा ऑक्शन का तो सब तैयार है, जो सब आने वाले हैं उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट एंड मेरे लिए भी तैयार है। बट अब हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो उनको खाना भी तो खिलाना होगा ना, तो मैं बनाने वाली हूँ अब एक फूड कार्ट जहाँ से वो खाना खा सकते हैं। वैसे मैं उधर फ्री रखूंगी, बस उन्हें वहाँ पे जाना है और अपने लिए खाना लेके वहाँ से वो खा सकते हैं। तो चलो उसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने इधर भी थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया एंड छोटा छोटा सीटिंग का अरेंजमेंट भी कर दिया है। एंड ये कुछ ज़्यादा इसकी हाइट थी, तो इस पर ये चढ़कर यहाँ से खरीद सकते हैं। वैसे आज तो सब फ्री होगा, यहाँ पर मैं बैरल लगाने वाली हूँ। अभी मैं वापस घर जाती हूँ और खाना लेकर आती हूँ, देन इधर बैरल लगाती हूँ और इधर हम कुछ फूड्स को डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने अपने फूड ट्रक में खाना भर दिया है, तो इस वाले में है हमारा फ्रूट्स वाटरमेलन एंड एप्पल्स, देन इसमें है हमारा ब्रेड और इसमें है हमारा फिश, और इस वाले में गोल्डन कैरेट एंड पोर्क चॉप है, बट मैंने इसके ऊपर ना फिश चिपकाया है कि जिसको मिला उसका। उसके अलावा यहाँ पर एक सीक्रेट चेस्ट भी है, सीक्रेट बैरल भी है, जिसमें है बहुत सारा अच्छा अच्छा फूड और साथ में गोल्डन एप्पल्स भी। और इसको ना मैं ढकने वाली हूँ, इसके ऊपर मैं कारपेट लगा देती हूँ, तो अब भी किसी को पता नहीं चलेगा, और फिर अब किसी को पता नहीं चलेगा, अगर किसी को मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर बाद में मैं बांट दूंगी इन सब में। Few moments later. ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है, एक अनुज ब्रैग आ चुके हैं, बट गब्बर हमेशा की तरह लेट है, अभी वेट करते हैं उसका, और पहलू तो आया ही नहीं। ओके, तो महाराज गब्बर आ चुके हैं, वेलकम करो सब उसका। वो तो ऐसा तुम्हें फील ना हो ना, इसलिए वैसे गरीबों वाले कपड़ों में आया है वो महाराज है। वो क्या बताएं, ये कभी महाराज बने नहीं, उसको कैसे पता होगा। ओके, तो सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, सब सीट पे बैठ जाओ, हम ऑक्शन जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पर ये बॉक्सेस है, इसमें अलग अलग सामान है, एंड एक एक करके सब पे बैट लगेगा। उसके साथ में यहाँ पे कुछ सामान डिस्प्ले पे लगा है,
जो ऑक्शन में ऐड नहीं है बट किसी को चाहिए तो वो खरीद सकते हैं। उसके अलावा मेरे इन्वेंट्री में जो भी सामान है वो सब भी ऑक्शन में होगा। ऐसा नहीं है इधर सब आए हो तो तुम सबको भूखा मारेंगे। पीछे कैंटीन लगा है, वहां से तुम खाना खा सकते हो। अभी नहीं, अभी नहीं, खाना ला रही। अभी नहीं, आधा ऑक्शन होने के बाद। ऊपर का क्यों खा रहे हो? अंदर का खाना ना बाद में। ऊपर का नहीं खाना, ऊपर का कौन खाए? अभी नहीं ना, आधा ऑक्शन तो होने दो, आधा ऑक्शन तो होने दो। बॉक्सेस हो जाएंगे उसके बाद खाना के। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बॉक्स से। उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे एक अंडे ट्विंस हो गए। बधाई हो, बधाई हो। और एक आया, और एक आया, बधाई हो। एक ऐसे सच्ची में हो जाएगा। 22 के दो टू टू आ जाएगी। 22 के 22 बच्चे ओलंपिक में डाल दूंगा। मैं क्या बोल रही थी? बारिश आ गई, बारिश दिख रहे हैं हमारे सर पे। छत नहीं है। ओ भाई, ओ भाई। फर्स्ट बॉक्स है हमारा बोन्स का भरा हुआ। तो बोन्स का हम स्टार्ट करते हैं 10 डायमंड्स से। 10 के बाद बोलो जिसको ज्यादा देना वो करो। 11 डायमंड्स, 11 फाइनल। कोई और ज्यादा देना चाहता है? 4 डायमंड। 11 के बाद 12 12 12 12 12। कोई नहीं, कोई यहाँ पे अमीर नहीं है, सब गरीब लोग हैं। बताओ इसको, इसको मत बताओ, कोई बात बताओ। जा तुम्हारा, तू ले लो। ओके, तो 12 डायमंड में, 12 में हुआ था, 11 में हुआ था, 11 11 12 12 12 नहीं 11। 12 डायमंड में ये डायमंड है बॉक्स ट्रैक का। नहीं, स्नाउट पैटर्न की बोली स्टार्ट होती है 4 डायमंड से। कोई 5 देगा? कोई 5 डायमंड्स? तो ये 4 में चाहिए किसी को? मुझे। तो ये हुआ एकन का। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड बॉक्स की तरफ। इसमें हमारे पास फिश, कुक्ड फिश है, नो स्ट्राइक। और इसका हम बैटिंग स्टार्ट करते हैं 2 डायमंड से। तो कोई इंटरेस्टेड है इसमें लेने में? 2 डायमंड, 3 डायमंड? वेजिटेरियन हूँ। 2 डायमंड, मुझे डॉक्टर ने 2 डायमंड में नो स्ट्रेक फिश कोक, वो भी कोयला भी यूज नहीं करना पड़ेगा, लावा भी यूज नहीं करना पड़ेगा। पका पकाया खाना कोई लेना चाहेगा इसे? कोई है जो लेगा इसे? 2 डायमंड, ठीक है। तो ये फिश हुई फ्रैग की। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ बॉक्स की तरफ। इसमें है हमारे पास पोर्क चॉप, 9 स्ट्रैक ऑफ पोर्क चॉप, कुक पोर्क चॉप। इसकी बैटिंग हम स्टार्ट करते हैं 3 डायमंड से। तो कोई देगा उससे ज्यादा? कोई देगा उससे ज्यादा? अच्छा, किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। 3 डायमंड में नो स्ट्रैक, किसी को नहीं चाहिए? नो। ओके, तो इस बॉक्स को अभी हम स्किप करते हैं, बाद में इसमें वापस आएंगे लास्ट में। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ बॉक्स की तरफ। इसमें हमारे पास आयरन, 9 स्टैक आयरन। इसमें भी आपको कोई फ्यूल यूज नहीं करना है, आपको पका पकाया आयरन मिल रहा है। अब्बर तुम ले लो ये, ये इसे हेयर बना के दाढ़ी बना लेना, बहुत दिन हो गए। अच्छा, कितना पैसा रखा है? इसकी बैटिंग स्टार्ट होगी 1 डायमंड ब्लॉक से। 1 डायमंड ब्लॉक, 1 डायमंड ब्लॉक, 1 डायमंड ब्लॉक। नहीं भाई, हमारे इतने ऐसे 1 डायमंड ब्लॉक, 1 डायमंड ब्लॉक में 1 स्टैक आयरन ब्लॉक्स मिल रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें? 9 डायमंड दो। अरे बोलो, कोई 10? कोई 10 नहीं, तो 10 डायमंड, 1 6 डायमंड से। तो कोई लेना चाहेगा इसे 6 डायमंड्स में? नो मैडम, ख्याल से वो लेगिंग बहुत ज्यादा है। 6 डायमंड, 6 डायमंड, 3। ये हुई फ्रैग की। तुमने छेद भी देखा ना पास से, बहुत अच्छा, अब सब दिखेगा। तुमने बैनर दिखाया है,
तुम्हें देखना चाहिए था, वो छड्डी में छेद था। बप लगा चुके वेडिंग, नहीं तो आपको फाइन भरना पड़ेगा जो कि एक नदरेट ब्लॉक। मैंने नहीं बोला मुझे चाहिए, वो तुमने हाथ में बैनर पकड़ा ना, मैं क्या करूं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं सेवंथ बॉक्स पर। ओके तो सेवंथ बॉक्स में है हमारे पास चमचमाता हुआ एफिशिएंसी 5 अनब्रेकिंग मेंडिंग सिल्क टच वाला हो। तो कौन कौन इसे लेने में इंटरेस्टेड? इसकी पॉली स्टार्ट होती है 15 डायमंड से। ओह माय गॉड, अपने 8 बॉक्स की तरफ, जिसमें हमारे पास पूरा बॉक्स भरा हुआ वूल से, पूरा बॉक्स वूल से भरा हुआ। ना किसी शिप को कोई हार्म किया है ना मारा गया है, बहुत प्यार से उनको शेयर से वूल निकाला गया है। तो कोई है इसको लेने में इंटरेस्टेड? पूरा बॉक्स भरा हुआ बोल से। इसका प्राइस है 3 डायमंड ब्लॉक, सॉरी 3 डायमंड। ओह माय गॉड, 3 डायमंड ब्लॉक। ओह माय गॉड, बैकअप करने की तैयारी कर ले सकता है सिर्फ अमीर तुम। सिर्फ 3 डायमंड, सिर्फ 3 डायमंड, 3 डायमंड में 27 स्ट्रेक। कोई लेना चाहता है इसको? ले लो एकन, थोड़ा कुछ सिल्वर कॉइंस की बात करें हम। सिल्वर कॉइन, अरे गंदे। आई वांट इट 3 डायमंड्स ओनली। द 3 डायमंड वन, 3 डायमंड 27 स्ट्रेक है। वापस सोचो कितना तुम्हें भूल इकट्ठा करना पड़ेगा। ओह ये 3 डायमंड 2, नाइस। 3 डायमंड 3, ये हुआ एक इनका चेस्ट। ये कांग्रेट्स बोलो, कांग्रेट्स। इसी के साथ हम बढ़ते हैं 9th बॉक्स की तरफ। इसमें हमारे पास हो, जिसमें है मेंडिंग एफिशिएंसी 5 अनब्रेकिंग एंड फॉर्चून। इसका प्राइस हम स्टार्ट करते हैं 9 डायमंड से। तो कोई लेना चाहता है इसे? 9 डायमंड ब्लॉक, ओह माय गॉड। ब्लॉक्स नहीं, 9 डायमंड, ओनली 9 डायमंड, बहुत सस्ता है। नो, मैं गरीब हूं। आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हो, थोड़े दिन रुक सकती हूँ मैं। कोई लेना चाहता है? 9 डायमंड 1, 9 डायमंड 2, 9 डायमंड 3, ये हुआ फ्रैक का। ओह माय गॉड, नाइस, कांग्रेट्स। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे 10th बॉक्स में, जिसमें है हमारे पास एक गोट हॉर्न। ये बहुत रेयर हॉर्न है, गोट्स है ही नहीं इस वर्ल्ड में, सारे मर चुके हैं। इसका तुम सब आवाज सुन सकते हो। इसका हम बैटिंग शुरू करते हैं 9 डायमंड से। कोई लेना चाहेगा इसे? नहीं, तो हम बढ़ते हैं अगले बॉक्स की तरफ। इसको हम बाद में दोबारा लाएंगे। और अगले में भी हमारे पास एक गोट हॉर्न है, तो हम इसकी बैटिंग स्टार्ट करते हैं 9 डायमंड से। कोई लेना चाहेगा इसे 9 डायमंड में? इसने शील्ड तो दिखा है, मैंने देखा। इसने शील्ड दिखा, मैंने देखा। मुझे चाहिए। इसने कोई शील्ड नहीं दिखाया, अंडा पकड़ा है मैंने। 9 डायमंड 1, 9 डायमंड 2, 9 डायमंड 3, तो ये हुआ एक इनका। और अब हमारा हो गया है ब्रेक टाइम, तो सब खाना खा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारा खाना है। खाना तो है नहीं, ऊपर रखा है ना बॉक्सेस में, सब बॉक्स भरे हुए हैं। थैंक यू। सबने खाना खा लिया है, सबका पेट भर चुका है, लेकिन एक सबके लिए सरप्राइज है। उसी ट्रक में एक बॉक्स छुपा हुआ है, जिसके अंदर है बहुत अच्छा अच्छा खाना, तो वो आप जाके लूट सकते हो, ढूंढ सकते हो। कबीला ले गया सारा। एक और नहीं है ना? नहीं, एक ही था बॉक्स, जिसके अंदर थे गोल्डन एप्पल्स, गोल्डन कैरेट्स और क्या था, फ्रैक पोर्क चॉप, मछलियाँ। ठीक है, तो इन्फिनिटी का हम स्टार्ट करते हैं बैटिंग। 6 डायमंड, कोई लेना चाहेगा इसे 6 डायमंड में? 6 डायमंड में इन्फिनिटी, 6 डायमंड 1, 6 डायमंड 2, 6 डायमंड 3, ये बुक हुई एकन की। हमारे पास है फेदर फॉलिंग 4, 10 डायमंड 1, 10 डायमंड 2, 10 डायमंड 3, ये हुआ एकन का। अगली बुक है हमारी सोल स्पीड 3 की, डायमंड 1, 2 डायमंड 2, 2 डायमंड 3, ये हुआ गब्बर का। अगली बुक है हमारे पास स्विफ्ट स्नीक 3 की, प्राइस स्टार्ट करते हैं 5 डायमंड से। 5 डायमंड 1, 5 डायमंड 2, 5 डायमंड 3, ये हुई कबर की। फोर्थ बॉक्स, जिसमें है हमारे पास 9 स्टैक ऑफ पोर्क चॉप, जिसका प्राइस स्टार्ट हुआ 3 डायमंड से। तो कोई लेना चाहेगा इसे?
लास्ट टाइम भी 3 से ही हुआ था ना, 3 डायमंड 2 3 डायमंड 3 ये हुआ गब्बर का। ओके तो हम इस फोन पे वापस आए हैं। कोई से लेना चाहेगा? ऑफर योर लास्ट प्राइस। तुमने एक ले लिया है पहले। एक तुम्हें लेना है क्या? नो ठीक है तो हम ये एक डायमंड में देते हैं गब्बर को। क्या मतलब? ओए ये तो बोली लगाना चाहिए था। मैंने पूछा तुमसे तुम्हें लेना है या नहीं, तो उसके प्राइस को मैंने एक डायमंड दो एक डायमंड लगा दो ये कहा। अरे तो तुमने कहा तुम्हें लेना ही नहीं है, मेरा क्या गलती? मुझे क्या पता एक डायमंड में मिल रहा है। ये मैं दूंगी एक डायमंड ब्लॉक में एटलीस्ट। एक डायमंड फ्रैग ले ले। अच्छा ये ऑक्शन नहीं है तो मैं बार्गेन करना चाहूंगा। तुम्हारे नाम से ना पीछे का सामान छुप रहा है। चार डायमंड नहीं ये फिक्स प्राइस शॉप है। एकन तुम्हें लेना है कुछ? फ्रैग तुम्हें अपने बच्चे लेने बाद में जब बेशन लूटी वो सारा सामान मेरा लावा में जा चुका है, एक बच्चा है मेरे पास। भैया अगर चार डायमंड में दे रहे हो तो बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। हाँ भैया उधर लगा के जाना। फ्रैग ने हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा सामान खरीदा है और इसलिए उसको एक इनाम भी मिलेगा। इनाम फ्रैग को मिलता है फ्री में एक गोल्ड हॉर्न। कौन सा है? मेरा फेवरेट वाला, जिसको पार्ट लेना है वो इसके अंदर आ जाओ। अगेन क्या करना है हमें? तुम्हें आर्मर नहीं पहनना और एक एक पोशन मुझसे ले लो। ये लो एक ले लो तुम्हारा पोशन और मैं इसके अंदर 10 एरो रखूंगी ये वाला, ठीक है? हाँ तो 10 एरो मैं एक साथ नहीं चलाऊंगी, एक एक करके चलाऊंगी। तो ऐसा मत बोला हम तो पहले पी लिए, हमें तो हुआ नहीं है तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। लकड़ी है कि किसी के पास एक बटन बनाने को? मतलब तीनों को जाना है साथ में? हाँ तीनों को जाना है साथ में। हाँ और इनके लास्ट में दो जन बच गए तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। चल रहा है ना, देखो आया पोशन किसी के पास? अरे मत मारे लग रहा है, वापस रख दो फिर पोशन उसमें। क्या मतलब मुझे मिला? अरे वो मैं देख रही थी ना आ रहा है। काला काला हो गया। हाँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। जब भी तो ऐसा तुम्हें पता नहीं चलेगा, किसी को भी मिल सकता है वो लग के वो। किसको मिला? ओके तो अब देखते हैं इनाम किसको मिला है। कौन सा इनाम? क्या इनाम? क्या मिला? इसको कोई नहीं मारेगा। एक जीत चुका है बकरा। एक प्राइस जीतने पे कुछ तो बोलो। आई मेरी तलवार इजन पीछे है। मैंने किसी को फोर्स नहीं किया था। एक ने मुझे चिपका के बैठा था डिस्पेंसर पे। चलो कल मिलते सबसे, बाय। हमारा ऑक्शन खत्म हो चुका है एंड वो बहुत अच्छा गया। मेरा सारा सामान बिक चुका है जो भी मैंने ऑक्शन में लगाया था और साथ में लास्ट में एकन को एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी मिल चुका है। मुझे ना लगा था कि एकन समझ जाएगा क्योंकि पहले मैं एक बार उसके साथ की थी लास्ट सीजन में ऐसा ही कुछ, तो मुझे लगा था वो समझ जाएगा, बट शायद उसे भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसा कोई बुक मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है, मज़ा किया, इंजॉय किया आज, तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को तो सब्सक्राइब करना भूला ही मत करो। मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम एक और मज़ेदार एपिसोड में। सब तक के लिए सबको बाय बाय।